السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. गुज़िश्ता बाज़ मजालिस में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात का तज़किरा किया गया था। आज की मजलिस में भी चंद खुसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। इंसानी खिदमत के मैदान पूरी दुनिया में इंसानी बिरादरी, आलमी बिरादरी, ह्यूमन राइट्स, बड़े बड़े पुरकशिश, वजनी अल्फाज, दावे, इदारे, तंजीमें कायम हैं, लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की खिदमत जब से शुरू की है, जब आप अभी नबी भी नहीं बनाए गए थे, मक्कतुल मुकर्रमा में जो आपकी तस्वीर और इमेज बन चुकी थी, वो इंसानियत के बेलौस खादिम के तौर पर बन चुकी थी। इंसानियत के नाम पर आज दुनिया में बहुत सी तकसीमें हैं, इस्तेहसाल किया जाता है। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत का जहन बनाया था। उस जमाने में भी रिवाज था, आज भी ये बीमारी है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल्यतीम वला तहाज़ून अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर तुम नहीं उभारते हो, यतीम का तुम इकराम नहीं करते हो। इंसानी खिदमत की तहरीक हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाई। अतइमु तआम, मजहब के फर्क के बगैर, रंग के फर्क के बगैर आपने जहन बनाया, खाना खिलाओ। फुक्कुल आनिया, कैदियों को रिहा करवाओ। मजदूरों के हुकूक आपने गिनवाए हैं, अमलन करके आपने बतलाया है। बल्कि मरने के बाद इंसानी खिदमत का तसलसल रहे, इसके लिए वक्फ का निज़ाम, इसके लिए सदक़े जारिया का निज़ाम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया। अमलन भी किया, सहाबा ने भी किया। मुस्तकिल मौजू है, खूब लिखा गया है इस मौजू पर। दूसरी खुसूसियत जो इस मजलिस में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करना है, वो है शहरी मंसूबा बंदी, टाउन प्लानिंग। हमारे शहर में आजकल बफर जोन और मुख्तलिफ उनवानों पर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तालाबों की हिफाजत, कुओं की हिफाजत, हरियाली की हिफाजत, सड़कें कैसी बनाई जाए, बाजार कहाँ पर कायम किया जाए, सेक्रेटेरिएट कहाँ पर बनाया जाए, दारुल अमारा कैसा होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम कैसा बनना चाहिए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को बेढंगी तरक्की, गैर मुरतब तरक्की नहीं दी है,
टाउन प्लानिंग के बहुत से पहलू हैं। आपने इल्म पर बुनियाद रखी। मदीना मुनव्वरा आने से पहले मुसअब बिन उमर को भेज दिया। मदीना मुनव्वरा आने के बाद मस्जिद नबवी तामीर की, सुफा चबूतरा पढ़ने की जगह, आपकी बीवियों के लिए 9 कमरे ठिकाने का इंतजाम, जनाजे और ईद की नमाज की जगह, और उसी मस्जिद में दुनिया भर के दावत के मशवरे, रियासत के मशवरे, अदालत के फैसले उसी मस्जिद में हुआ करते थे इब्तदाई दौर में। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग शोबजात तकसीम हो गए। आपने मदीना मुनव्वरा के हुदूद मुतय्यन किए, हुदूद मुतय्यन किए। मसोलेनी से मुलाकात हुई गालिबन मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, अल्लामा इकबाल की, अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक की टाउन प्लानिंग ऐसे की कि पहले उसके लिमिट्स मुतय्यन किए गए, और उसके बाद जब आबादी बढ़ने लगी तो आपने देहातों को आबाद किया। एक ही शहर में पूरी आबादी को बसाना, तंग गलियों में, पोल्यूशन में, फिजाई आलूदगी में, सौती आलूदगी में, भीड़ भाड़, इज्तिहाम, गंदगी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। अल्लामा इकबाल ने जब मसोलिनी से ये कहा तो वो हैरानी से उछल गया कि वाकयातन इंसानियत को आज भी टाउन प्लानिंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा बनाने की जरूरत है। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन बिखरे हुए थे, दबे हुए थे। आपने हिजरत की तरतीब दी। एक कम्युनिटी होती है, इस्लामी शियार नुमाया होते हैं तो आदमी को इस्लामी माहौल में रहना आसान होता है। नॉन मुस्लिम आने लगे तो आपने उज्जत नहीं रखा उनको, अनसिविलाइज्ड नहीं रखा उन लोगों को। आपने पहले नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए बाकायदा तालीम और तरबियत का इंतजाम इतना किया कि बद्र के कैदियों की रिहाई के लिए फिदिया ये तय किया कि ये कैदी लिखना सिखा दे, मदीना वालों को आजाद कर दिया जाएगा। नौ मुस्लिमों की कॉलोनियां बनाई गई मदीना पाक के बाहर, नौ मुस्लिम बस्तियों के लिए कॉलोनियां बनाई गई। बेतरतीब आबादी को नहीं बढ़ाया गया। देहातों में अगर बिजली का, इलाज का, तालीम का इंतजाम हो जाए, देहातों में ज़िराअत और एग्रीकल्चर सिस्टम पर उनकी मदद हो जाए तो पूरी दुनिया में आबादी के बेकाबूपन का जो मसला है वाकयातन हल किया जा सकता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्तदाई दौर में लोग इस्तिंजा करने के लिए टॉयलेट के तौर पर बस्ती के बाहर जाया करते थे। आपने घरों के करीब इस्तिंजा खाने, बैतुल खला, टॉयलेट का रिवाज आपने तय किया कि सड़क इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दो लदे हुए ऊंट वहां से गुजर सकते हो। बेतरतीब, गैर मुनद्दम होना गवारा नहीं किया गया। पूरी दुनिया के मेहमान आते थे, आला ओहदेदारान आते थे। रिवायतों में मौजूद है कि दारु दुयूफ, मेहमान खाना, सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को आपने तरगीब दिलाई जाती मकान के सिलसिले में। वो रिवायतें जिसमें आप जिक्र फरमाते हैं
कि तीन चीजें बड़ी नियामत है, सवारी का होना, कुशादा मकान का होना, नेक बीवी का होना। इससे पता चलता है कि आपने सहाबाए किराम को जाती मकान पर भी उभारा है। चरागाहें जरूरी है जानवरों को जहां पर चराया जाए, तफरी गाहें जरूरी है जहां पर बच्चे खेले। मदीना पाक के बाहर हिमन नकी नामी चरागाह बनाई गई ताकि जानवरों की जरूरियात की तकमील हो। तालाबों की हिफाजत, चश्मों की हिफाजत का एक मुस्तकिल निजाम है। हरीम का तस्करा मिलता है पहाड़ के पास कि एक चश्मे के बाजू दूसरा चश्मा, एक कुएं के बाजू दूसरा कुआं, कितने फासले पर खोदा जाना चाहिए। तीसरी खसूसियत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन आलम। पूरी दुनिया में अमन और पीस अगर कायम किया है, कोई मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात नहीं है, तारीखी सदाकत है। अगर आदमी तासुब का चश्मा उतार कर पढ़े अमन आलम, दुनिया में आज भी खानदानी गुरूर है, मजहबी गुरूर है, नस्ली तकसीम है। हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, हमने यूक्रेन की जंग को देखा, अभी गजा की जंग को देख रहे हैं, करीबी जमाने में अफगानिस्तान, इराक, शाम और भी बहुत सारी जंगों को हमने देखा। ये कोई अमन कायम करने के लिए नहीं है, ये अपने गुरूर की तस्कीन के लिए, इंसान की हाकिमियत को नाफिस करने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाई हाकिमियत, ये जितनी जंगें हैं इंतकाम दर इंतकाम, बदले के तौर पर फर्स्ट वॉर वार लड़ी गई, सेकंड वॉर वार लड़ी गई, इंतकामी कार्रवाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम को अल्लाह के रास्ते का किताल नहीं मानते हैं। आपने फरमाया मन कातला लितकून कलिमतुल्लाहिया, अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए अपनी हुकूमत, अपने खानदान, अपनी नस्ल, अपने रंग की बुलंदी के लिए नहीं, इख्तदार की हवस के लिए जो जंग लड़ी जाए उसे जिहाद का मुकद्दस लफ्ज नहीं दिया जा सकता, उसे जिहाद की मुकद्दस इबादत नहीं कही जा सकती है। चौथी खुसूसियत हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहौल का तहफ्फुज, इन्वायरमेंट के बारे में और फिजा की हिफाजत के बारे में आज बड़ी बड़ी तंजीमें काम करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर बहुत मुबाहसे होते हैं, बड़ा रिसर्च होता है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के जखीरे, आबी जखीरे, मादनिया सोने चांदी के जखीरे, दरख्तों की हिफाजत, कुदरत के अतियात का इदराक, कायनात का तवाजुन, माहौल के फसाद की रोकथाम, गंदगी के फैलाव को रोकना, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बतलाती है। कुरान में दसियों जगह पर कहा गया है कुलू वश्रबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ न करो, जाया न करो। आज एडवांस कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में इतना सामान खाने का फेंका जाता है, अफ्रीका के गरीब मुल्कों की मुकम्मल कफालत हो सकती है। वहां बिजली और करंट इतना जाया किया जाता है, अफ्रीका के जंगलों का अंधेरा झोपड़ियों में खत्म हो सकता है। आपने फरमाया बहते पानी पर भी अगर हो तो पानी जाया न करना,
وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارِ, آپ نے درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے روکا, ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا کرنے سے روکا, قدرتی ذخائر کی حفاظت. آپ نے فرمایا جو درخت لگائے اور اس سے جو چرند پرند انسان فائدہ اٹھائے, جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. حیوانات کے حقوق ادا کیے جائے, اتنے بھی نہیں کہ ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانا پڑے, اتنا بھی جانوروں کے علاج کا غم نہیں کہ انسانوں کو علاج کے لیے ترس جانا پڑے, لیکن آپ نے حیوانات کے حقوق, بہرحال ماحولیات کا تحفظ, ماحولیات کا تحفظ یہ مستقل ایک خصوصیت ہے, ایک موضوع ہے, یہ ایک انقلاب ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری دنیا میں انصاف اور برابری, انصاف اور برابری بہت بولا جاتا ہے یہ لفظ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت سماجی انصاف, سماجی انصاف. ہر جگہ انصاف کے لیے برابری ضروری نہیں ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ایک آدمی کا پیٹ دو روٹی میں بھر جاتا ہے, ایک آدمی کا پیٹ تین روٹی میں بھرتا ہے, تو دونوں کو دو روٹیاں دینا انصاف نہیں ہوتا ہے, ایک کو تین دینا ہی انصاف ہے, دوسرے کو دو دینا ہی انصاف ہے. ایک آدمی 5 کلو اٹھا سکتا ہے, ایک آدمی 10 کلو اٹھا سکتا ہے, دونوں سے 10 کلو کے اٹھانے کا مطالبہ انصاف نہیں ہے, برابری تو ہے انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ جو جتنا اٹھا سکتا ہو اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے, عورت جتنا اٹھا سکتی ہے اتنا بوجھ ڈالا جائے, مرد جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا بوجھ ڈالا جائے. برابر تو ہم نے دے دیا, اگر بالفرض ہم نے دونوں کو دو روٹیاں تو دے دی, ذلت کے ساتھ دی, محبت کے بغیر دی, آئندہ خیال نہیں رکھا, آئندہ اس کی ضرورتوں کا کوئی تعلق نہیں رکھا, تو ظاہر ہے کہ صرف برابری, صرف برابری اخوت کے بغیر, صرف برابری محبت کے بغیر, صرف برابری صلاحیت کے مطابقت کو دیکھے بغیر, صرف برابری آزادی دیے بغیر, یہ کوئی برابری نہیں ہے. صرف برابری میں نے دے دی, اللہ کا بندہ نہیں بنایا. صرف برابری دے دی, انسانی مقام نہیں دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ذریعے سے, وحدت بنی آدم کے ذریعے سے, تمہارا رب ایک ہے, ان ربکم واحد و اباکم واحد, تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا اب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے. ان بنیادوں پر جو حقیقی برابری امتیازات کے خاتمے کے ساتھ قائم ہونا چاہیے وہ قائم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پڑھنے, جاننے, سمجھنے, پہنچانے, حق ادا کرنے, درود شریف پڑھنے, پورا جمعہ کا دن گزر گیا, یہ کیسا امتی ہے, اس کو ایک بار بھی بے اختیار درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے, یہ کیسا امتی ہے, یہ طبیعتوں کی کیسی بے حسی ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں کبھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے گھروں میں سنانے کے موقع نہیں ملتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے, محرومی یہ ہے, چٹخاروں کی کمی محسوس کرتے ہیں نا, مہنگے صوفے کی کمی محسوس کرتے ہیں نا,
महंगे फोन की कमी महसूस करते हैं ना, दिलों की वीरानी भी महसूस कीजिए। अल्लाह ताला हकीकी इश्क अता फरमाए, हकीकी इत्तबा अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।